नहीं घर में जमा जमा के रखते थे ना, भेजा बच्चों को लेने और देना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, तो आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में, एंड छोटू आया अभी फटाफट मेरे घर आया है। एकदम देख सकते हो घर के बाहर ही खड़े हम लोग, और एकदम फिट एंड फाइन रेडी होकर तैयार हैं, और गाड़ी भी तैयार है, और बस अब चलते हैं कांवड़ यात्रा के लिए। गाइस तो मिलते हैं सीधे कांवड़ यात्रा वाली जगह में, अभी फटाफट जाना है, एंड थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं हम लोग, बट देखते हैं क्या कहानी है। गाँव इसको है थोड़ा सा जंगल झाड़ी वाला क्षेत्र है भाई, इसके बाद हाली आता है। दिखता हो रोड में भगवा कलर का जा रहा है भाई, एंड वही है कांवड़ यात्रा यार। देख सकते हो हम लोग मिस हो गए, वहाँ दूर से नजदीक से आ गए वो लोग। तो भाई यार हम लोग लेट हो गए, तो देख सकते हो कांवड़ यात्रा निकल चुका है, एंड इसमें हम लोग भी सम्मिलित हो जाएंगे अभी। जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ से अपना बस्ती प्रारंभ होता है केल्हारी वाला भाई, और यहाँ से लोग एंटर कर रहे हैं केल्हारी में। अब पूरा गांव घुमाएंगे भाई, और जहाँ जहाँ पे मंदिर आएगा वहाँ वहाँ सब जगह जाएंगे, और यहाँ पे मेन बस्ती से क्रॉस करके बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं भाई। देखते हैं अगला पड़ाव मतलब पहला पड़ाव कहाँ पड़ने वाला है। तो भाई वीडियो के अंत तक बने रहना यार, पूरा माहौल देखने को मिलेगा, एंड हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा कैसे निकाला जाता है वो भी देखने को मिलेगा। तो भाई लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहना यार। धीरज भैया है आज नए ब्लॉग है, और यहाँ से यार मैं मिलाता हूँ आपको जितने भी आज के कांवड़ यात्री हैं सभी से परिचित करवाऊंगा, बिकॉज यहाँ खड़े होके एंड आप देख सकते हो भाई इतनी भीड़ लगी हुई है हमारे इस छोटे से कांवड़ यात्रा में। तो यार थोड़ा सा लाइक और सपोर्ट कर देना बाबा, थोड़ा बहुत अपने को भी लगे कि नहीं मेहनत कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, बिकॉज देख सकते हो थोड़ा सा पॉपुलर करवा दो यार। आई मैं इसका 1K व्यूज देखते हैं कितना जाता है, एंड यहाँ पे यार सभी यात्री पूरे श्रद्धा भाव से पूरा मन लगा के यात्रा कर रहे हैं, बिकॉज सुबह इन लोग जल्दी यात्रा प्रारंभ कर दिए थे भाई। हम लोग मिस हो गए थे, मैं और छोटू घर में लेट हो गया था, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से नहीं दिखा पाए, एंड बीच में आके दिखा रहे हैं भाई। तो देख लो यार, हाँ तो संजय भी बताए सब जगह जाएगा भाई, एंड यहाँ पे फिर यहाँ पे स्टार्ट है भाई, देख सकते हो। एंड यहाँ से डीजे का सेटअप उधर लगा हुआ है। तो भाई ये फर्स्ट लोकेशन है यार, यहाँ पे पहला जल चढ़ाया जाएगा, इसके बाद दूसरे लोकेशन में जाएंगे, इसके बाद वीडियो में बने रहो देखने को पूरा मिलेगा। यहाँ पास हो चुका है भाई, सीन ऐसा यार पूरा शहर घुमाएंगे आज, ऐसा सीन है पूरा एकदम क्रिएट। यहाँ पे धीरज भी वीडियो बना रहे हैं भाई, इधर छोटू वीडियो बना रहे हैं, और बाकी के वीडियोग्राफर फील्ड में लगे हुए हैं भाई। ये दूसरा मंदिर है भाई जहाँ पे जल अर्पण करने के लिए यात्री आए हुए हैं, तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं कि क्या ही सीन और क्या ही माहौल। तो भाई मंदिर के अंदर से देख सकते हो श्रद्धालु कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं भोले बाबा के सामने। और भाई यहाँ प्यार थाना के सामने
सामने और थाना के अंदर वाले जल अर्पण में हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, बिकॉज हमारा फोन जो है तो सेविंग मोड में चला गया था हर वीडियो बनाते टाइम। एंड यहाँ पे तीसरे लोकेशन से फिर से शूट कर रहा हूँ भाई, बिकॉज समस्या हो गया था। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, ये तीसरे लोकेशन के लिए निकल चुकी है पब्लिक, एंड तीसरे लोकेशन में पहुँचते ही वीडियो भी बनाएंगे। 500 तुम लोग का मोनेटाइज हो गया है ना? पेमेंट आने वाला है, दोनों टाइम है ना? एड्रेस भी ना गया, एड्रेस भी ना गया, एक दिन में दोनों चैनल लोडिंग होना है। तो भाई यहाँ पे पांचवे लोकेशन में पहुंच चुके हैं, इसके बाद छठा लोकेशन अंत ही है, मतलब छठवें लोकेशन में कांवड़ यात्रा अंत किया जाएगा भाई। ये सेकेंड लास्ट है, एंड यहाँ का सीन आप देखो भाई। यहाँ से भाई मंदिर के अंदर इंटर करने का गेट है भाई, बिकॉज आदमी अंदर जाता है और जल चढ़ा जाता है। अपन नहीं जा पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, उधर वीडियो नहीं बना पाएंगे, एंड दूसरे साइड से बना लेंगे भाई। तो चलते हैं दूसरे साइड से बना के और उधर से भी आपको पूरा सीन का व्यूज कराते हैं भाई। इसके बाद कांवड़ यात्रा अंत किया जाएगा भाई, तो वीडियो में बने रहना भाई, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है, देख के जाना मेरे भाई। और जहाँ पे कांवड़ यात्रा समाप्त करना है भाई, वहाँ पे सारे यात्री पहुँच चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हो। एंड चलते हैं अभी, थोड़ा बहुत और बनाते हैं वीडियो, क्या माहौल है पूरा दिखाते हैं। एंड थोड़ा बहुत व्यवस्था है भाई ठंडई वंडई का, तो पूरा पी के इसके बाद निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अंत किया जा रहा है भाई, ये लास्ट मंदिर है, एंड यहाँ पे जो शिव जी बैठे हुए हैं वहाँ पे ही कांवड़ यात्रा समाप्त करेंगे भाई। पूरे यात्री दर्शन एंड जल अर्पण के लिए जा रहे हैं, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे पूरे सब व्यवस्थित खड़े हुए हैं। मैं ऊपर से शूट भी किया तो देखा भाई कि पब्लिक यहाँ पे धीरे धीरे कम हो गई है, बिकॉज यहाँ बिस्कुट वगैरह बट रहा है, देख सकते हो वो खा रही है पब्लिक, चना भी खा रही है और सीधे ठंडाई पी के जा रही है। तो अपन भी चलते हैं भाई, बिस्किट वगैरह ले लेते हैं, ठंडाई का भी व्यवस्था है, सब कुछ लेंगे। एंड इसके बाद ब्लॉग अंत ही है भाई, और अब ज़्यादा नहीं जलवाएंगे, बिकॉज अब 20-30 सेकेंड और है। तो यहाँ पे अपने को ठंडाई भी फाइनली मिल गया यार, और इसको लेते हैं और चुपचाप अब चलते हैं बाबा, बिकॉज यहाँ पे कांवड़ यात्रा समाप्त हो गया भाई। छोटू
जैसा कि आपने वीडियो में देखा और पूरे सब लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। भंडारे का व्यवस्था दूसरे स्पॉट में है जहाँ इससे पहले गए थे यार जल अर्पण करने के लिए, वहाँ पे रेंज ऑफिस में। एंड मिलते हैं यार नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, अगर पुराने हैं तो लाइक करके जाना बाबा। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही।